और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फिर तीसरी बार मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्वकर्ता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। विकास की सारी तैयारियां, रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही, चल रहे हैं।